नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लौकी का पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है और लौकी हेल्दी तो है ही। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो लौकी का पकौड़ा बनाने के लिए एक लौकी लिए हैं, ये 500 ग्राम है। मैं इसमें से 300 ग्राम का पकौड़ा बनाऊंगी। यहाँ से काट कर इस भाग का पकौड़ा बनाऊंगी, इस भाग का कोई सब्जी में यूज कर लूँगी। तो हटा लेते हैं इस तरह से काट के, और नमक एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। हल्दी आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच, गरम मसाला आधा छोटी चम्मच, ये लहसुन का पाउडर है, ये बाज़ार में इजीली मिलता है, इसके जगह आधा छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। यदि लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं पकौड़ा। और जिंजर पाउडर एक चौथाई चम्मच, इसके जगह आप आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। ग्रीन चिली फ्लेक्स आधा छोटी चम्मच, इसके जगह आप हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हैं। बेसन 5 बड़े चम्मच, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, और पकौड़ा तलने के लिए तेल। तो चलिए सबसे पहले लौकी को छील लेते हैं। तो लौकी इस तरह से छील लेंगे। तो लौकी को छील लिए हैं, इसे हम पीस पीस में काट लेंगे। इसे काट कर रखने के लिए एक बाउल में पानी रख कर, और इस तरह से थोड़ा मोटा ही रखना है इसको। देखिए इस तरह का पीस हमें चाहिए, और लौकी में मोटे मोटे बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए इसमें बीज नहीं है। सारे लौकी को इसी तरह से काट लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे, और इस तरह से धोकर एक प्लेट में रख लेंगे। और पकौड़ा बनाने के लिए एक बॉल लेंगे और इसमें बेसन डालेंगे, और इसमें डाल देंगे ये चावल का आटा, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, और ये हरी मिर्च का पाउडर, और सारे चीज़ों को डालकर इस तरह से मिला लेंगे पहले, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक थिक बैटर बना लिया है। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमें। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ा। तो देखिए पकौड़ा तलने के लिए तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम इस तरह से लौकी डालकर इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से या इस तरह से, और जितने पकौड़ा एक बार में आ जाए उतना ही डालेंगे। और पकौड़ों को अच्छी तरह से एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और दूसरी तरफ पलट लेंगे पकौड़ों को। तो देखिए पकौड़ा एक तरफ से सीख चुका था, तो हम दूसरे तरफ पलट लिए हैं, और दूसरे तरफ से भी पकौड़े को गोल्डन ब्राउन होने देंगे इसी तरह से। तो देखिए पकौड़ा दूसरे तरफ से भी सीख चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो एक टिश्यू पेपर पर डालकर निकाल लेंगे ताकि पकौड़े से स्टार्च तेल निकल जाए। देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बना है। अब हम इसी तरह से सारे पकौड़े को तल के तैयार करेंगे। देखिए इसी तरह से, तो देखिए दूसरे बैच का पकौड़ा भी तल के तैयार है, इसे भी निकाल लेते हैं, और बाकी का पकौड़ा भी तल लेंगे। तो देखिए सारे पकौड़ा तल चुके हैं। देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बना है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए लौकी का पकौड़ा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बना है। तो आप भी बनाइए ये पकौड़ा,
और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।